हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। वेलकम है आपका न्यू लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर के क्वेश्चन सीरीज के बारे में। इसके पहले मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 के कुछ डाइजेशन पार्ट के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम यूनिट 5 का ही डाइजेशन और ब्रीदिंग नाम से ये चैप्टर है, जिसमें आज हम ब्रीदिंग पार्ट से जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन या रेस्पिरेशन नाम से जो पार्ट है उसका क्वेश्चन करेंगे कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के या जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उनके पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है, कवरिंग इज ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, जो लंग्स की कवरिंग पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? पेरिकॉन्ड्रियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम, इन तीनों में से क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है उसे? प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज कंटेन वोकल कॉर्ड्स, इनमें से जो है वोकल कॉर्ड क्या बना कौन सा बनाता है? लेरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल, ट्यूब और ग्लॉटिस, इन चारों में से जो है ब्रोंकियल ट्यूब्यूल कौन बनाता है, वोकल कॉर्ड कौन बनाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेरिंग्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लूरा इज डबल मेम्ब्रेन सैक विच इनवेलप्स, जो प्लूरा होता है आपका वो डबल मेम्ब्रेन सैक है और वो इनमें से किसको बंद करता है? ठीक है, किडनी को, ब्रेन को, लंग्स को, नेजल पासेस को। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है, तो होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज लंग्स। लंग्स को क्या करता है? प्लूरा बंद करता है और डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेमेलियन लंग्स कंटेन एन एनार्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वियोली, दिस इज टू अलाउ, जो लंग्स होते हैं उसमें उसकी यूनिट क्या होती है? एल्वियोली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन का लंग्स होता है उसमें मेमेलियन के लंग्स में बहुत सारे एल्वियोली होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? ठीक है, मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, मोर सर्फेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, मोर स्पॉन्जी टेक्सचर फॉर कीपिंग लंग्स इन प्रॉपर शेप, मोर नर्व सप्लाई टू कीप्स द ऑर्गन वर्किंग मोर इफिशियंटली। तो पूछ रहा है इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोर सर्फेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस का डिफ्यूजन होता है आपका आपके लंग्स में, तो उसके लिए सर्फेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्यूल्स कॉल्ड, लंग्स के पास जो है बहुत सारे नैरो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एल्वियोली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस या ट्रैकिया, इनमें से क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रोंकियोस, जो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं नैरो पतले पतले इस तरीके से, ठीक है, कई सारे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोस कहा जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है? पहला, ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट इज कैरीड टू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी, स्कर्वी इज ड्यू टू विटामिन सी डिफिशियंसी, पैनक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लूरा इज डबल कवरिंग ऑफ किडनी। तो इनमें से पूछ रहा है कि करेक्ट इसमें से फॉल्स क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्लूरा इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग किडनी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसको कवर करता है? ये लंग्स को कवर करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज इन मैन, मैन में जो एयर का पासेज होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? नेजल कैविटी से फेरिंग्स, पहला बोल रहा है ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस, एल्वियोली, या दूसरा ऑप्शन, या तीसरा, या डी, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन्थ का बी, सबसे पहले आपके नेजल कैविटी में जाता है, नेजल कैविटी से फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियस, और ब्रोंकियस के बाद एल्वियोली। ये इस तरीके से इसका पासेज होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्पेशलिटी कॉमन इन द एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन इन मैमल इज दैट बोथ, ठीक है, कौन सा ऐसा चीज कॉमन होता है जो एल्वियोली ऑफ लंग और विलाई ऑफ इंटेस्टाइन में सेम होता है? प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया, ठीक है, ये क्या करता है? लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है, या सीलिएटेड एपिथीलियम होता है, या सूटेड फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, या इसके पास रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल का और लिम्फ डक्ट्स का। तो पूछ रहा है इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों क्या करते हैं?
लंग्स में एल्वियोली जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और विलाई जो है इंटेस्टाइन में क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों का ये कॉमन कैरेक्टर है कि ये दोनों क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग, जो गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में वो कहाँ पे होता है, ट्रैकियोज में, एल्वियोली में, ब्रोंकियोज में, पल्मोनरी चैम्बर में, इनमें से कहाँ पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी, दैट इज एल्वियोली में। कहाँ पे होता है, एल्वियोली में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द फंक्शन ऑफ ट्रैकियल हेयर्स इज टू, ट्रैकियल हेयर का फंक्शन क्या होता है, पास म्यूकस इन, पास म्यूकस आउट, पास एयर आउट, पास एयर इन, इनमें से ट्रैकियल हेयर्स का क्या काम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, पास म्यूकस आउट, म्यूकस को बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियाई आर, इनमें से लेफ्ट और राइट ब्रोंकियाई क्या होते हैं, सब डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, लोब्स ऑफ लंग, फाइन ब्रांच ऑफ ट्रैकिया, या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सब डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ये क्या होते हैं, ट्रैकिया के सब डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब थियरी क्लासेस पढ़ाई हैं तो वहाँ पे बताया है। ठीक है, तो अगर आपने थियरी क्लासेस नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि बिना थियरी क्लासेस के आप इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स होता है इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय, जो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स होता है फेरिंग्स में वो किसके द्वारा गार्डेड होता है, साइरिंग्स के द्वारा, एपिग्लॉटिस के द्वारा, ट्रैकियल वॉल्व्स के द्वारा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस आपका जब फूड आप खाते हैं तब भी ये क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि आपका फूड जो है गले में फंसे ना या अटके ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकोमुलेशन ऑफ फ्लूड बिटवीन द प्लूरा इज कॉल्ड, जो अकोमुलेशन फूड फ्लूड का होता है प्लूरा में उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको न्यूमोनिया, प्लूरोसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इनमें से कौन सा डिजीज हो जाता है अगर एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए बिटवीन प्लूरा, जो प्लूरा है लंग की कवरिंग है डबल मेम्ब्रेनस, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूरोसी, प्लूरोसी नाम का डिजीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंग और एल्वियोली ऑफ मैमल हैव अ थिन वॉल कंपोज्ड ऑफ, जो लंग एल्वियोली होता है मैमल का उसमें थिन वॉल पाई जाती है, वो किसका होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इनमें से क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है लंग ऑफ एल्वियोली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग इज, क्या होता है द एल्वियोलर एपिथेलियम इन लंग क्या होता है, ये नॉन सिलिएटेड स्क्वामस होता है, सिलिएटेड स्क्वामस आपको पता चल गया किसी स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, या सिलिएटेड कॉलमुलर होता है, या सिलिएटेड स्क्वामस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का ए, दैट इज नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम, क्या होता है, नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एपिग्लॉटिस इज एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ, जो ग्लॉटिस होता है वो ओपनिंग होता है फ्लोर, किसके फ्लोर पे, माउथ के, ट्रैकिया के, फेरिंग्स के, या डायाफ्राम के। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के ओपनिंग पे ये क्या होता है, फ्लोर पे ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन लंग इज मेड लार्जर बाई एल्वियोली एंड इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ, जो सरफेस एरिया होता है ह्यूमन लंग का एल्वियोली के द्वारा वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिस तरह इंटेस्टाइन में विलाई बढ़ाती है सरफेस एरिया, उसी तरह लंग में एल्वियोली बढ़ाते हैं। तो इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, डिनर प्लेट की तरह, टेबल की तरह, 4% की तरह, या टेनिस कोर्ट की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज टेनिस कोर्ट की तरह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायाफ्राम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो डायाफ्राम होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, मेमल्स का, रिप्टाइल्स का, बर्ड्स का, ऑल वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, तो किसका कैरेक्टर होता है डायाफ्राम, डायाफ्राम जो है वो मेमल्स का कैरेक्टर होता है, और किसी रिप्टाइल्स, बर्ड्स और जो है फिशेज वगैरह में क्या होता है, ये डायाफ्राम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायाफ्राम इज, जो डायाफ्राम होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिवाइड बॉडी कैविटी इंटू अ कंपार्टमेंट, प्रोटेक्ट लंग, एड इन रेस्पिरेशन, एड इन डाइजेशन। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एड इन रेस्पिरेशन, किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन ह्यूमन द ऑब्लिक
फिशियर्स आर एसोसिएटेड विथ, जो ऑब्लिक फिशियर्स पाए जाते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, राइट लंग से, ठीक है, लेफ्ट लंग से, बोथ लंग से, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, बोथ लंग से क्या होता है, फिश्योर एसोसिएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ लोब्स, या लास्ट क्वेश्चन, ऑफ लोब्स इन द राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ मैन रिस्पेक्टिवली आर, कितने राइट, देखो सबसे पहले बात कीजिए राइट लंग में और फिर लेफ्ट लंग में रिस्पेक्टिवली कितने कितने क्या होते हैं लोब्स पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज राइट लंग में आपके 3 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो है राइट लंग आपका इस तरीके से इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं और लेफ्ट लंग जो होता है आपका उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही पूछा है, ठीक है। तो होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके उसमें पेपर में पूछा जा सकता है। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए हैं तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से पेपर पूछता है। तो थैंक यू एवरीवन, बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।